अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को पामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़िता पुनीता प्रजापति पिता नानहूर राम प्रजापति कमरित सरपंच वार्ड नंबर 8 भंडापारा पामगढ़ लिखित आवेदन पत्र पेश कर दिनांक थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव के भूतपूर्व सरपंच आरोपी जगराम गोड़ के द्वारा पीड़िता से रंजिश रखते हुए पीड़िता को जान से मारने की और देख लेने की धमकी दी एवं पद कर्तव्यों से निर्वहन में सचिव सहित उठवा लेने की धमकी दी, जिससे पीड़िता परेशान रहती थी। जो आरोपी शुभम मिश्रा एवं सत्य ओम प्रकाश कश्यप स्वयं को टीवी रिपोर्टर होना बताकर पीड़िता के घर जाकर 5,000 रुपये की रिश्वत मांग किया करते थे, जिस पर पीड़िता ने रुपये देने से इनकार किया। तब आरोपियों ने पीड़िता के विरुद्ध वीडियो रिपोर्टर बनाकर पीड़िता को अपमानित करने की मंशा से ही टीवी चैनलों में प्रकाशित कर दिए, के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांजगीर चांपा के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज पुलिस लाइन जांजगीर मैदान में जिले में संचालित प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों में मानक AIS 125 के अनुपालन के संबंध में परिवहन विभाग पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें आज कुल 11 प्राइवेट एम्बुलेंसों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान प्रमुख रूप से एम्बुलेंस में आपातकालीन प्राथमिक उपचार की सुविधा वाहनों की वर्तमान स्थिति एवं कागजात चालक की स्थिति की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 5 वाहनों में रिफ्लेक्टर फिटनेस एवं अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था न होने के कारण 7,000 समय शुल्क दिया गया। यह अधिनियम संयुक्त टीम के द्वारा लगातार जारी रहेगा। चांपा कलेक्टर ने बमहनीडी तहसील कार्यालय में राजस्व मामलों के समय सीमा से अधिक अवधि तक लंबित रहने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पदस्थ नायब तहसीलदार गरिमा मनहर को प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए, अन्यथा उन्हें वेतन वृद्धि रोकने की हिदायत दी। कलेक्टर ने आज जिले के विकास खंड मुख्यालय बमहनीडी में तहसील जनपद कार्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। चांपा कलेक्टर शुक्ला ने आज जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के पीछे स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट के शेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश CMHO को दिए। कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट से दैनिक जनरेटर होने वाली मेडिकल ऑक्सीजन की मात्रा को पोर्टल में नियमित अपडेट कराने के निर्देश दिए। इस प्लांट से ट्रामा सेंटर DRDO जिला अस्पताल को ऑक्सीजन पाइप लाइन से जोड़ा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बंजारे ने बताया कि इस प्लांट की प्रति मिनट 500 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। ग्राम पंचायत दनालपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया गया। इस मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी अनूप सिंह ने कदम का पेड़ रोपकर शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य भीम सिंह मीणा ने बताया कि विद्यालय के नवीन भवन परिसर में आम, कदम, नीम, करंज, पीपल, बरगद, जामुन आदि के छायादार पौधे लगाए गए।